रिंग किया गया पापा, हमारे करंट एमपी सिटिंग एमपी जो है, तो मुझे तो लगता है उन्हें गाना ही गाना चाहिए, वो ज्यादा अच्छे हैं उनका। उनके कार्यालय पे जाएंगे आप तो वहाँ पे स्लोगन लिखा है बहुत बड़े लाइन में कि 10 साल तो सिर्फ ट्रेलर था, असली विकास अब करेंगे। ये इनडायरेक्टली वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने अब तक कोई विकास नहीं करा, हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। अगर मैं कुछ बोलूं ऑन कैमरा आके तो फिर मेरे पीछे क्या होगा वो मुझे नहीं पता। बिल्कुल डरूंगा मैं क्यों नहीं डरूंगा, मैं क्यों एक सिटिंग एमपी के अगेंस्ट, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं कोई स्टेटमेंट दूं। मतलब मैं डुअल ग्रेजुएट हूं और मैं कुछ नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं धक्के खा के आ रहा हूं। कन्हैया कुमार पीएचडी होल्डर है और वो भी राजनीति शास्त्र से, पॉलिटिकल साइंस से। इस बार अलायंस हो गया है तो मतलब 75% मेरी प्रिडिक्शन ये है कि कन्हैया कुमार आ रहे हैं। मनोज तिवारी की आप बात कर रहे हैं तो मनोज तिवारी 10 साल में उन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया। मैं बता रहा हूँ ना, उनके यहाँ से 6 किलोमीटर दूर उनका कार्यालय है। उनके कार्यालय पे जाएंगे आप तो वहाँ पे स्लोगन लिखा है बहुत बड़े लाइन में कि 10 साल तो सिर्फ ट्रेलर था, असली विकास अब करेंगे। ये इनडायरेक्टली वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने अब तक कोई विकास नहीं करा, हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। अब हमें एक बार और मौका दीजिए आप तो हम विकास हो सकता है करें। लेकिन ये देखें, वो एक गाने वाले हैं और उनके सामने जो खड़े हैं कन्हैया कुमार, अभी वो तो लास्ट दो बार तो वो तो लक से आ रहे थे। नहीं, एक मिनट, वो तो सिर्फ उनका लक था कि वो आ रहे थे बीजेपी के एक लहर में। अगर देखा जाए तो वो कन्हैया कुमार के सामने एक मिनट भी किसी चीज पे बोल नहीं सकते। कन्हैया कुमार पीएचडी होल्डर है और वो भी राजनीति शास्त्र से, पॉलिटिकल साइंस से। तो मुझे लगता है ग्राउंड लेवल पे रियलिटी अगर आप चेक करेंगे तो मनोज तिवारी का 100 में से 5% मैं रेट करूंगा, 100 में से 5% जी, 95% मैं रेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उनके कार्यालय के बिल्कुल सामने रहता हूं। तो मुझे पता है ग्राउंड लेवल पे रियलिटी क्या है। अब रह गई मोदी जी की बात, तो ठीक है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। अब उनका मतलब, मैं डुअल ग्रेजुएट हूं और मैं कुछ नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं धक्के खा के आ रहा हूं। तो ये देखिए मोदी जी क्या बोल रहे हैं। बिल गेट्स अभी विजिट हुई थी इंडिया में, बिल गेट्स की, तो आपको पता होगा मोदी जी उनके साथ एक लाइव मतलब मीटिंग पे थे और उनका इंटरेक्शन में वो बोल रहे थे एआई के ऊपर, मतलब पूरा वर्ल्ड आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे है, हर इंडस्ट्री में एआई लग रहा है। अगर आप गाड़ी की बात कर रहे हैं तो कार भी चल रहा है तो वो भी ऑटोमेटेड है, उसमें भी ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं। उस डेट में बिल गेट्स को, जो कि दुनिया को टेक्नोलॉजी दे रहा है, उसे हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं एआई, आई, हमारी आई, बच्चे पैदा होते हैं वो भी आई बोलता है। तो ऐसी चीजें एक्सेप्टेड नहीं है। अब वहां पे राहुल गांधी को ले लीजिए, राहुल गांधी का विजन बहुत आगे है। उनसे अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो एआई पे उनसे भी बात हुई तो उन्होंने बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से जॉब्स जाएंगी नहीं, नई जॉब्स क्रिएट होंगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बीजेपी गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके गवर्नमेंट जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है। यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे या तो इनका फेलियर होगा एजुकेशन का। अब हमारे जैसे हमारे करंट एमपी सिटिंग एमपी जो है, तो मुझे तो लगता है उन्हें गाना ही गाना चाहिए, वो ज्यादा अच्छे हैं उनके। गाना गाना चाहिए उन्हें, मतलब मैं खुद उनके गाने सुनता हूँ, मैं खुद बिहार से हूँ। अरे करे सेवा कर बिहार से हूँ, कह रहे हैं वो ठीक है। गाना सुने उनके बताइए, मतलब बहुत सारे हैं। अब एक तो वो क्या नाम है, बियर वाला गाना हुआ, क्या बोलते हैं, अरे बियर रिंग किया गया पापा, और मतलब बहुत सारे ऐसे गाने हैं। वो तो बहुत पुराना हो गया दोस्त, बहुत पुराना हो गया। अब का नहीं, अब मतलब देखे 10 साल तो दिया ना हमने, उन्होंने तो खुद बोला अपने स्लोगन पे बड़े लाइंस में, अगर आप जाके कवर करें वहाँ पे तो लिखा है लाइन वहाँ पे कि 10 साल तो सिर्फ ट्रेलर था, अब असली विकास करेंगे। तो मतलब इनडायरेक्टली वो खुद बोल रहे हैं, ये मेरी लाइंस नहीं है, वो उनकी लाइंस है, मेरी लाइंस बिल्कुल नहीं है। मैं तो उनका स्लोगन बता रहा हूँ आपको। अगर मैं कुछ बोलूँ ऑन कैमरा आके तो फिर मेरे पीछे क्या होगा वो मुझे नहीं पता। नहीं, मतलब एक बात बता रहा हूँ, डर भी है, बिल्कुल डरूंगा मैं क्यों नहीं डरूंगा, मैं क्यों एक सिटिंग एमपी के अगेंस्ट, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं कोई स्टेटमेंट दूं। मैं उनकी लाइंस रिपीट कर रहा हूं बस, यहां पे आप समझदार हो, आप समझ जाओ उन्हीं की चीज। कन्हैया कुमार मुकाबला ले पाएंगे, देखे मैं बता रहा हूँ, लास्ट दो बार से क्या हो रहा था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी तीन चीजें एक साथ कंबाइंड इलेक्शन लड़ रही थी, तो उसमें बीजेपी वाले जो वोट आ रहे थे वो मतलब बीजेपी की तरफ वोट डाइवर्ट होके आ रहे थे, तो ये लक से मतलब इनका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट डाइवर्ट हो जा रहा था। तो वो जो कांग्रेस को पढ़ने चाहिए थे वो आम आदमी पे गए, तो वोट डाइवर्ट होने की वजह बीजेपी को जीत मिल जाती थी। तो इस बार अलायंस हो गया है तो मतलब 75% मेरी प्रिडिक्शन ये है कि कन्हैया कुमार आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, 75% मतलब जीत हो पाएगी। हाँ बिल्कुल, 25% तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मनोज तिवारी कह रहे कोई मुकाबले में नहीं है। मनोज तिवारी कह रहे हैं, अच्छी बात है, अगर मतलब उनके पास कुछ बैकअप या कुछ सपोर्ट होगा जिसके बेस पे वो कह रहे हैं। अब रियलिटी तो हम भी नहीं जानते ना,
बाकी आप... अच्छा प्रधानमंत्री कह रहे हैं युवा खुश है, आप एक युवा है, कैसे देखते हैं इन बातों को? मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ कि युवा खुश है। अभी जॉब्स की बात करी जाए तो करंट ठीक है, उनके अकॉर्डिंग तो बहुत सारे मतलब रोजगार हैं, जॉब्स हैं, बट रियलिटी ये है कि अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, आप बीटेक की बात करें, तो आज की डेट में बीटेक कॉलेज इतने सारे खुले हैं, इतने कॉलेजेस खुले हुए हैं, लोग इतनी डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन उन डिग्री का कहां क्या फायदा? अगर वो डिग्री जितने हमारे पास ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए वेकेंट नहीं है सीट, तो या तो आप प्रोड्यूस ही ना करो इतने इंजीनियर्स और इतने मतलब जो भी फाइनेंस है, मैं खुद फाइनेंस में हूँ, तो इतने प्रोड्यूस मत करें आप कि आप उन्हें जॉब्स दे सके। इस बार क्या बदलाव चाहते हैं? एक्सपेक्टेशन तो यही है कि बदलाव ही जरूरी है। प्रधानमंत्री कह रहे 400 पार जाएंगे, अच्छी बात है जाएं, लेकिन हमारे हमारे लिए नौकरियां तो दे दें। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अगर 400 पार नहीं दोगे राम मंदिर में ताला लग जाएगा, आज का बयान है। मेरे पास ऐसे के लिए कोई कमेंट नहीं है, सॉरी।